हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आरएस स्टडी एजुकेशन हब में आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम राजस्थान के प्रमुख मंदिरों के संबंध में डिस्कस करेंगे। इन मंदिरों में से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम पहले देखते हैं प्रमुख गणेश जी के मंदिर, उसके बाद में हम देखेंगे प्रमुख बालाजी के मंदिर। गणेश जी के मंदिर के संबंध में हम देखते हैं कौन कौन से गणेश जी के मंदिर राजस्थान में लोकेटेड है। फर्स्ट आता है हमारा है वो है त्रिनेत्र गणेश मंदिर। त्रिनेत्र गणेश मंदिर है वो है स्वाई माधेपुर में। कहाँ पर लोकेटेड है? स्वाई माधेपुर में। डायग्राम के अकॉर्डिंग भी हम देखते जाएंगे तो स्वाई माधेपुर में हमारा देख मंदिर देखने मिलता है वो है त्रिनेत्र गणेश मंदिर। नेक्स्ट हम देखते हैं नरते गणेश मंदिर। नरते गणेश करते हुए कहाँ पर है? अलवर में। तो अलवर में हमें देखने मिलते हैं वो है नरते गणेश मंदिर। हमने देखे त्रिनेत्र गणेश, त्रिनेत्र है स्वाई माधेपुर में। नेक्स्ट हमने बात की नृत्य करते हुए गणेश जी, तो वो हमें देखने मिलते हैं अलवर जिले में। नेक्स्ट हमें देखते हैं बाजना गणेश। बाजना गणेश कहाँ पर है? सिरोही में। तो बाजना गणेश है सिरोही में, और सिरोही के पास ही उदयपुर में हमें देखने मिलता है वो गणेश जी का मंदिर है बोहरा गणेश मंदिर। नेक्स्ट कौन सा है? बोहरा गणेश मंदिर। सिरोही में हम बात की बाजना गणेश, और बोहरा गणेश मंदिर कहाँ पर है? वो है आपके उदयपुर में। यही हम पास में देख लेते हैं डूंगरपुर में। तो डूंगरपुर में हमें गणेश जी का मंदिर देखने मिलता है वो है बुरला गणेश। हमने बात की बाजना गणेश, सिरोही, इसके साथ ही हमने बात की उदयपुर में बोहरा गणेश, और नेक्स्ट हमने बात की मुल्ला गणेश डूंगरपुर। अन्य हम गणेश जी के मंदिर देखते हैं वो कौन कौन से हैं? हैरम गणपति। हैरम गणपति है बीकानेर। बीकानेर जिले में कौन सा गणपति है? हैरम गणपति। अन्य जितने भी हम राजस्थान में गणेश जी के मंदिर देखते हैं उन पे गणेश जी की सवारी हमें मूषक दिखाई देती है, लेकिन जो हैरम गणपति मंदिर है उसमें हमें गणेश जी की सवारी है वो कौन सी दिखाई देती है? सिंह सवारी है। तो हैरम गणपति मंदिर है वो है बीकानेर में। इसके अलावा तीन एक जैसे नाम है वो हम देखते हैं। एक आते हैं आपके खड़े गणेश जो लोकेटेड है कोटा में। एक है खेड़ गणेश, वो खेड़ बाड़मेर में है, जिसका निर्माण राव दुहट द्वारा करवाया गया था। और नेक्स्ट आता है खोड़ गणेश, और खोड़ गणेश कहाँ पर है? किशनगढ़ अजमेर में। खोड़ा गणेश कहाँ पर है? किशनगढ़। खड़े है कोटा में, और खेड़ है खेड़ बाड़मेर में। डायग्राम के अकॉर्डिंग हम देखें तो समझने में और याद करने में दोनों में इजी रहेगा। यहाँ पर कोटा है तो कोटा में हमें मिल जाएंगे खड़े गणेश जी। बीच में अजमेर है, किशनगढ़ अजमेर, वहाँ पे हमें मिल जाएंगे खोड़ा गणेश जी। और इधर पास में हम देखते हैं बाड़मेर। बाड़मेर में हमें देखने को मिल जाएंगे वो है खेड़ गणेश जी। इसके अलावा गणेश जी के मंदिरों में देखें तो वो दो मंदिर हमें जयपुर में देखने मिलते हैं, गढ़ गणेश और मोती डूंगरी। जयपुर की लोकेशन है यहाँ पे, तो यहाँ पर हम जयपुर में देखते हैं गढ़ गणेश और मोती डूंगरी। नेक्स्ट आता है इश्किया गणेश, और इश्किया गणेश जी का मंदिर लोकेटेड है वो है जोधपुर में। जोधपुर में कौन से गणेश जी का मंदिर है? इश्किया गणेश जी का मंदिर। इसके अलावा हमने बात कर ली बोहरा गणेश उदयपुर और मुरला गणेश डूंगरपुर। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में प्रमुख बालाजी के मंदिर के संबंध में। बालाजी के मंदिर वो भी काफी देखने मिलते हैं। उनमें से फेमस जो बालाजी के मंदिर है वो कौन कौन से हैं? दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी। दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी वो कहाँ पर हैं? सालासर धाम चूरू। सालासर चूरू में लोकेटेड है कौन से? दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी। हनुमान जी के बाल रूप की जो प्रतिमा हमें देखने मिलती है वो है मेहंदीपुर दौसा में। तो बाल रूप वाले हनुमान जी कहाँ पर है? मेहंदीपुर दौसा में। मेहंदीपुर दौसा में कौन से हैं? बाल रूप वाले हनुमान जी। नेक्स्ट हम देखते हैं लेटे हुए हनुमान जी। लेटे हुई मुद्रा में हनुमान जी की प्रतिमा है वो है पांडुपोल अलवर में। अलवर में कौन से हैं? लेटे हुए हनुमान जी। शयन मुद्रा में कौन से हैं? शयन मुद्रा में है खोल के हनुमान जयपुर। शयन मुद्रा में कौन से हैं? खोल के हनुमान। वृद्धावस्था वाले हनुमान जी ही देखने को मिलते हैं वो है सामोद जयपुर में। वृद्धावस्था वाले हनुमान जी हैं सामोद जयपुर में। दूध पीते हनुमान जी का मंदिर हमें देखने मिलता है वो है करौली में, जिसे अंजनी हनुमान मंदिर भी कहा जाता है। तो अंजनी हनुमान मंदिर या फिर दूध पीते हुए हनुमान जी का मंदिर कहाँ पर लोकेटेड है? वो है करौली में। नेक्स्ट हम देखते हैं इच्छापूर्ण बालाजी। तो इच्छापूर्ण बालाजी का मंदिर है सरदार शहर चूरू में। चूरू में हमने बात की कि कौन से मंदिर है? दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी। इसके अलावा हमने बात की इच्छापूर्ण बालाजी, सरदार शहर चूरू, बाल रूप वाले हनुमान जी दौसा में लोकेटेड है, लेटे हुए हनुमान जी अलवर में, शयन मुद्रा में खोल के हनुमान जयपुर, और सामोद में कौन से हैं? वृद्धावस्था में हनुमान जी, दूध पीते हुए हनुमान जी का मंदिर है वो है करौली।
इसी के साथ आज के हमने वीडियो लेक्चर है वो यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अन्य मंदिरों के संबंध में डिस्कस करेंगे।